बादलों को मोर देखे, चांद को चकोर देखे, तुझको नसीबों वाला। कहाँ गया वो खेत में हगने वाला। दोस्ती के बिना रह लेंगे, रिश्तेदारी के बिना रह लेंगे, मोबाइल के बिना पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है। इतनी गौर से क्या सुन रहे हो? हवा ही देगा, रसगुल्ले थोड़ी ना देगा। मम्मी मेरे जूते कौन ले गया, मुझे लेट हो रहा है यार। शाहजहां ने जब ताज बनवाया तो ताज को आगे से देखा, फिर ताज को पीछे से देखा, ताज को घूम के देखा, ताज के गुंबद देखे, ताज की मीनारें देखी, फिर मुंह पर उठा के बोला, मजाक मजाक में खर्चा बहुत हो गया। हिमांशु, कहां तक पढ़ा है तुमने? अभी अभी तो हाथ में लिया। क्यों पढ़ाई की बात कर रहे हिमांशु? आप जो गुटखा खा रहे हैं इससे कैंसर होता है, इससे कई आदमी मर जाते हैं, फिर भी आप गुटखा खा रहे हैं जी? हो गया आपका लेक्चर डेल। हम लेक्चर दे रहे हैं, बोलिए आपका क्या पूछेंगे, पूछिए। आपका बाप का खाते हैं क्या? तो भाई एक बात पूछूं? हाँ बोल। हाथी के कितने दांत होते हैं? दो। तो एक अपने गांव में घुस ले भाई, बुरा लगा क्या? नहीं, तो दूसरा भी घुस ले। तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म, तुम यहाँ से निकल जाओ। अरे नहीं पापा, हमको माफ, हमको घर से मत निकालिए प्लीज, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ। यही सोच रहे हो ना, यही उम्मीद कर रहे थे कि हम तुमसे माफी मांगेंगे। जा रहे हैं दिल्ली, वहाँ दोस्त रहता है हमारा सिद्धू, मदद करेगा हमारी, लाखों कमाएंगे, राजा की तरह रहेंगे, समझे? और आप यही ना मास्टर गिरी फुरफुर करते रहना यहाँ मिस्टर रामदेव शास्त्री। तुमने अपने पापा का नाम लिया? अरे कौन पापा, कैसा पापा, किसका पापा है? अभी अभी इन्होंने कहा ना हमारा तेरा रिश्ता खत्म, तो जब इन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया है तो हम अपने मुंह से इनका नाम क्यों लेंगे? सुषमा देवी, सुषमा देवी। सुनो गौर से, पेप्सी वालों बुरी नजर ना ड्यू पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे नींबू पानी। हमने पिया है तुम भी पियो। पापा मैं भी जाऊंगा। जिधर तू इतने रहेगा? नहीं पापा मैं भी जाऊंगा। बेटे तुम यही रहोगे? नहीं पापा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। नहीं तुम यही रहोगे? नहीं पापा मैं भी जाऊंगा। राजा भोसड़ी के क्या आपके मसूड़ों में दर्द है? हाँ तो ला मुझे दे। जल्दी वहां से हटो, तोरा माई के चोदा उतर, हट बांचोत, ऊपर से उतर बांचोत, ना उतर दे ऊपर से, हट चल बिल्ली लाया था बांचोत। जब भी आपके यहाँ कोई मेहमान आए तो सबसे पहले दरवाजा बंद कर लीजिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आपके यहाँ कोई मेहमान आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें अंदर बुलाइए और जग और गिलास में उनके लिए दारू लेकर आइए। नहीं 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 ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी लेकर आना चाहिए, उनको पानी देने के बाद उनसे पूछना चाहिए, चखना ही लेंगे क्या? नमस्कार, इस बार चुनाव मैं आपके गांव से लड़ रहा हूं, बताइए क्या समस्या है आपके गांव में? हमारे गांव में नेताजी दो ही समस्या है। बताइए। पहली समस्या ये है कि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल नहीं आपके गांव में? हेलो, इस गांव में तत्काल एक हॉस्पिटल बनना चाहिए। जी हॉस्पिटल तो बन जाएगा, दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पे टावर नहीं, फोन नहीं लगता, आप फोन कैसे किए? तुम शराब पीते हो, देखना तुम नरक में जाओगे। अच्छा मैं दारू पीता हूँ तो मैं नरक में जाऊंगा? वो कल्याण सिंह का क्या, जो दारू बेचता है, जिससे दारू लेके आया हूँ, वो भी नरक में जाएगा? ओह नो। और वो जो उसकी दुकान के बाहर चिकन बेचता है सलीम, उसका क्या,
वो भी नरक की आग में जलेगा। वाह यार। हाँ? और वो शम्मो नाचने वाली लड़की वो भी नरक में जाएगी। ये सब के सब नरक में जाएंगे। पंडित जी जब दारू बेचने वाला वहाँ होगा, चिकन बेचने वाला वहाँ होगा, नाचने वाली शम्मो वहाँ होगी, तो वो नरक का हुआ वो तो स्वर्ग ही हुआ ना। 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा सो जा वरना दूसरा कैसे होगा। मेरी जिंदगी सवारी। आवारी फिर उसका वाने वा। हो गया। ले समीर स्निकर्स। अरे कुत्ते का गू है रे। जिंदगी बर्बाद करने के बहुत सारे रास्ते थे और मैं उन सब में कूद गया।